गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 44, तालकोट पार्सन एंड सोशल सिस्टम। दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो ये हम कुछ टॉपिक्स हैं जो तालकोट पार्सन के रिलेटेड हैं, ये हम एक एक लेक्चर में कवर करते जाएंगे सभी टॉपिक्स जो हैं। तो अभी सोशल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो सोशल सिस्टम क्या है, एक ग्रैंड थ्योरी है तालकोट पार्सन की, जिसमें उसने बताया है भैया जो थ्योरी है आप अगर किसी भी सोसाइटी में लगा दोगे तो आप सोसाइटी को समझ सकते हो। उसमें देखेंगे जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसी तरह सोशल सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्रेहेंसिव है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जिसके पार्ट्स हैं। तो सोशल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? ए सोशल सिस्टम है डिफाइंड बाय मिशेल as consisting of a plurality of all actors interacting directly or indirectly with each other in a bounded situation। actors हैं, जैसे कि suppose करो मैं citizen हूँ, अगर मैं temple में जा रहा हूँ तो मैं पुजारी से वहाँ पर interact कर रहा हूँ, cultural system से, family members के साथ interact कर रहा हूँ। अगर मैं कोई भी law या कुछ भी मुझे government से है तो मैं government से कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम से इंटरलिंक कर रहा हूँ। तो एक सोशल सिस्टम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं, वो इंटरलिंक आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक बाउंडेड सिचुएशन है जो कि एक फिजिकल और टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो उनका एक कॉमन फोकस होता है, कॉमन एक वैल्यू के लिए वो सभी लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है, जो कॉमन गोल है, जो हमारा प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो कुछ भी जहाँ पे काम हो रहा है तो उस प्रियम्बल के गोल्स को अचीव करने के लिए हो रहा है। तो जहाँ पे वही बताया हुआ है विद डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप, फैमिलीज, पॉलिटिकल सिस्टम, किनशिप ग्रुप में एटसेट्रा। तो मैंने वही बताया था भी जो पार्सन की ये सोशल सिस्टम की थ्योरी थी, तो जो ग्रैंड थ्योरी है भी वो सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटीज को भी लग सकती है और कम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज पे भी अप्लाई हो सकती है। वो कैसे अप्लाई होती है, वो जब हम देखेंगे कन्वर्जेंस थ्योरी तब देखेंगे, और थ्योरी ऑफ सेक्टराइजेशन तब देखेंगे हम विजय कैसे अप्लाई होती है। बाकी अगर आपने AJL मॉडल देखा होगा तो मैंने अप्लाई करके दिखाई है आपको AJL वाले लेक्चर में। तो अभी मैंने आपको बताया था भी जो सोशल सिस्टम को सर्वाइव करना है तो फोर फंक्शनल प्री रेक्विजिट्स है। लेकिन उनसे पहले हम देखते हैं कि उसने तीन तरह के एक्शन बताए थे, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, एक्सप्रेसिव एक्शन एंड मॉरल एक्शन। अब आप देखिए उन्होंने तीन तरह के एक्शन बताए, तो उनको जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जो एक्शन है इंस्ट्रूमेंटल एक्शन कौन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सप्रेसिव एक्शन कौन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहा है, मॉरल एक्शन कौन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो मींस उनको जब देखा विद इन सोसाइटी वो कौन उस जो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो हमने देखा भी जो इंस्ट्रूमेंटल एक्शन है जो परफॉर्म कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, उसको उसने क्या बोला, सोशल सिस्टम बोला। जो प्लीज रख लीजिए चीजों को, जो एक्सप्रेसिव एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोला, कल्चरल सिस्टम। जो मॉरल एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोला, पर्सनैलिटी सिस्टम। तो ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, पहले आपको बता चुका हूं मैं डायग्राम जी, जब हमने सोशल एक्शन की बात की थी, तो ये देखिए कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसने तीन सिस्टम बोले, ये तीन है, लेकिन जो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स हैं वो कौन सी है, चार हैं, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। सिस्टम हमारे पास तीन है, तो अभी तालकोट पार्सन को एक चौथा सिस्टम चाहिए, चौथा इंस्टीट्यूशन चाहिए था। तालकोट पार्सन ने काफी रिसर्च की, कंफ्यूज हो गया भी जहाँ पे चार फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स हैं लेकिन मेरे पास इंस्टीट्यूशन तो तीन ही है, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, पर्सनैलिटी सिस्टम। तो उसने मार्क्स की हेल्प ली, तो कार्ल मार्क्स किसको ज्यादा फोकस करता है, इकोनॉमी को। लेकिन अब देखिए, क्योंकि तालकोट पार्सन क्या था, एक अमेरिकन था, और कार्ल मार्क्स क्या है, मार्क्सियन, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका वाले कभी भी कार्ल मार्क्स को नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म आपको पता है कोल्ड वॉर में भी वो चला था,
तो अब उसने इकोनॉमी की वो देख तो लिया, कॉपी तो कर लिया, लेकिन ऐसा भी था भी कॉपी कर लिया, तो मैंने आपको बताया था वो टर्मिनोलॉजी नहीं नहीं यूज करने लग गया था तालकोट पास में। तो उसने इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बोला, उसने इसको क्या बोला, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, भी जो के क्या काम करेगा, गोल अटेन करेगा। तो आप देखिए इस तरह उसने ये चार का एक सिस्टम बनाया, सोशल सिस्टम। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये क्या है, मिनिमम फ्लो ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी, इंफॉर्मेशन। ये हम जब सोशल चेंज देखेंगे, इक्विलिब्रियम देखेंगे सिस्टम में, तो वो तब मैं आपको ये समझाऊंगा। प्लीज ये डायग्राम रट्टा मार लीजिए, और इसको अगर याद करना है, ओपी एस सी, ओपी एस सी मैंने इस तरह याद किया था। और नीचे जहां पे अब देखिए ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम AJL, जहां से करना शुरू कर दीजिए, AJL, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। तो ये सोशल सिस्टम था जो कि उन्होंने, तालकोट पार्सन ने बताया था। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होगी होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आप इसको जाके पढ़िए नितिन सांगवान सर की बुक से, और इसमें हम देखेंगे अब क्या होता है। दो थ्योरीज हैं, एक तो कन्वर्जेंस थ्योरी। अब आप देख देखिए इसने जो थ्योरीज दी हैं, तो एक कन्वर्जेंस थ्योरी होगी, एक सेक्टराइजेशन थ्योरी होगी। तो वो दोनों थ्योरीज क्या हैं, उसके भी छोटे छोटे दो आगे लेक्चर होंगे, तो उसमें हम ये देख लेंगे। आई होप क्लास आपको ये सोशल सिस्टम समझ आ गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू क्लास।